अब से ये जो शक्ल है आपको कंटीन्यूअस बेसिस पे दिखने वाली है, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू हैंडल व्लॉग्स। टूटा घर, सब कुछ टूट गया कि शायद मैं जा रहा हूँ अपने भाई अपने बाबू भैया से मिलने। बाकी से स्टार्ट करते सारी गाड़ियों को, कोल्ड स्टार्ट। मैं भी व्लॉगिंग करने लग चुका हूँ। आज हम आपको अपनी बाबू भैया की हाय गुदा से भी मिलाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का व्लॉग फिर से शुरू हो रहा है भैया के घर से, और यहाँ देखो सैंडी सो रही है। सैंडी उठ गई, सैंडी खाना, इसने आधा खाना खाया, इसका पेट भर गया, अब ये सो गई। इसे बस ये होता है जब इसे बाहर वॉशरूम करने जाना होगा या खाने के लिए, तब ये उठती है, वरना ये खा के फिर सो जाती है। बाकी आज हम लोग ने बहुत दिन हो गए थे, आप लोग को पता है बाइक्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुई सारी। सुप्रा स्टार्ट नहीं हुई, सुप्रा तो हम लोग चला ही नहीं सकते हैं, बट ये है कि सुप्रा को स्टार्ट भी करना है, कोल्ड स्टार्ट करना है बाइक्स को सारी। चलते हैं आंटी से चाबी लेते हैं, आंटी से भी मिलाते हैं आप लोग को, और फिर सारी गाड़ियां स्टार्ट करते हैं आज। सैंडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सैंडी, उठ जाओ। आंटी को देखो, आंटी क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो खाने में? आज तेरी आंटी की जिंदगी से किचन में घुस गई। आंटी कह रही मेरी सारी जिंदगी तो किचन में ही निकल गई। बाकी आंटी चाबी गए, तिजोरी की चाबी निकाल दी मैंने। हमारी तिजोरी की चाबी सबसे महंगी तिजोरी। बाकी इसे स्टार्ट करते सारी गाड़ियों को, कोल्ड स्टार्ट। गाइस आप लोग को पता है आज एक और वो है सरप्राइज की, कोई ना कहीं गया है बहुत दूर। आंटी पता है आपको हर्ष भैया कहाँ गए? कहाँ गए मुझे ना पता, तुम्हें पता क्या गया? आज वो उड़ान भर के गए हैं अपनी। कब गया वो? आज बता किस लिए गए? अन्नू से मिलने गया होगा तेरे भाई से। मैंने बोला मेरी चिट्ठी भी ले जा लेना यार, चिट्ठी लेके नहीं गए, चले गए सुबह ही। अब देखते हैं आपको पता चलेगा भैया कहाँ क्यों गए, मुंबई किस काम से गए। अगर हमारे लिए कुछ नहीं लाए ना हर्ष भैया, आप देख लो आंटी ने भी बोला है कुछ ना कुछ लेकर आओगे, सब नहीं लेकर आए, देखना फिर खाली हाथ मत आना यार। आपको अभी दिखाते हैं हम लोग, मैं बाइक से स्टार्ट करने जा रही थी सारी गाड़ियां। ये रही गाड़ियों की चाबी, ये रही टेनआर की चाबी, ये डुकाटी की, सुप्रा की, और ये बीएमडब्ल्यू। चार चाबी है, बीएमडब्ल्यू S1000 खड़ी है हर्ष भैया के घर ही, वो भी लेके आनी है। बाकी Z900 खड़ी है शोरूम में, तो वो देखते हैं अभी, क्योंकि उसका ये चीज हो रहा है कि जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक वो शायद ठीक नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसा सीन हो रहा है। बाकी आपको अपडेट देंगे अभी वहाँ बात करके क्या हो रहा है। यार मैं पहुंच गया था मुंबई, मैं कुछ काम से आया था यहाँ पर, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, और कि शायद मैं जा रहा हूँ अपने भाई अपने बाबू भैया से मिलने, शायद क्या पता मुझे मिलने थे वो, तो मैं बस अपनी साइड से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ सामान पहुँचाना है। मेरा तो मन है उससे मिलने का, मैं तो जिद कर दूंगा पूरी यार, मुझे उससे मिला दो, मेरा मन है मिलने का। कैब बुक करिए, कैब का वेट कर रहा हूँ, फिर बंच के फ्लैट पर जाता हूँ, फिर बहुत बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आज हम आपको अपनी बाबू भैया की हाय गुदा से भी मिलाएंगे। बहुत दिन हो गए उसे ना मिले हुए, आपको भी कितना मन कर रहा होगा उसको देखने का। तो हायबूजा खड़ी है परख भाई के पास, आज मैं परख भाई से भी मिलने वाला हूँ, तो मैं बस खाना खा रहा हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, फिर मिलाता हूँ आपको परख भैया से भी और अपनी हायबूजा से भी। तो यार खाना खाने के बाद मैंने कैब बुक कर ली थी, बाहर ही निकले थे हम, और ये चेक करो इतना ट्रैफिक हो रहा है यार, और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा भाई तो मेरा वेट ही कर रहा होगा, हर्ष आने वाला है यार, काश मैं उससे मिल पाता, अंदर जा पाता। बस कुछ सामान वगैरह जो है हाउस में जाएगा वो छोड़ना है मुझे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे मिलने दो। आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है, बट फिलहाल अभी तो मैंने वंश को कॉल कर दिया है, मैं वंश के फ्लैट पर जा रहा हूँ, उसने बोला था भैया मेरे फ्लैट पर आ जाना, उसके बाद थोड़ा फिर शॉपिंग वगैरह करने जाना है, और परख भैया से भी मिलना है। हमने हायबूजा परख भैया के बाद ही छोड़ी थी, अपनी हायबूजा से भी मिलवाते हैं आपको, और फिलहाल अभी मैं वंश के पास पहुँचता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और यार बाबू भैया को वोट कर रहे हो ना, आपको पता है ना बाबू भैया इस बार नॉमिनेट हुए हैं, तो बस जल्दी से जाकर ढेर सारे वोट कर देना, करते रहना बस, करते रहना, इतने कर देना कि बस लोगों को दिख जाए, तब तक वोट करते रहना जब तक उनका फीडबैक पे थैंक यू फॉर वोटिंग रुकना आना बंद ना हो जाए, और तब तक वोट करते रहना प्रोसेना। तो यार मैं आया था फिल्म सिटी, हमारे बाबू भाई का, मैंने आपको बताया था मैं मुंबई आ रखा हूँ, फिल्म सिटी आया था, और बाबू भाई का कुछ सामान देना था मैं बिग बॉस वाली टीम को, और जो सामान मैंने दिया है वो आपको जल्दी देखने को भी मिल जाएगा। और ये चेक करिए ज़रा, ये हम आ चुके हैं फिल्म सिटी में, घूम रहे हैं, और ये है कि अपने भाई के बहुत करीब था लेकिन उससे मिल नहीं पाया, अजीब सा फील हो रहा है, उसको भी नहीं पता होगा कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि अच्छा खेल रहा है और बस ऐसे ही खेलते रहे। तो यार जिस कैब में मैं बैठा था वो भैया भी अनुराग के बहुत बड़े फैन हैं, वो भी भैया कुछ बोल रहे हैं उनके लिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर,
जीत जाएंगे, शो जीत जाएंगे। अच्छा हम लोग जितने फ्रेंड है सब फ्रेंड है उनका शो देखते हैं, जितने हमारे ड्राइवर यहाँ पे है हमारे ग्रुप में, कम से कम 300 350 गाड़ियों का ग्रुप है, जितने ड्राइवर है उतने मोबाइल में बैठे बैठे ये शो देखते रहते हैं, अनुराग जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वोट भी कर रहे हो ना भैया? वोट भी कर रहे हैं सर, उन अनुराग जी को ही वोट कर रहे हैं सर। शुक्रिया भैया। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। यार आज मुंबई का वेदर इतना मस्त हो रहा है, एक चीज चेक कराता हूँ आपको, ये चेक करो यार क्या भयंकर मौसम हो रहा है मुंबई का। सच में यार हम इस टाइम सीलिंग ब्रिज पे और क्या मौसम हो रहा है भयंकर, एकदम बारिश होने वाली है और यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी बहुत हो रही है। अच्छा है कि बारिश हो जाए, थोड़ा सा लोगों को भी राहत मिल जाएगी, पर ये चेक करो यार। हेलो ब्रो सेना, व्हाट्स अप। अब से ये जो शक्ल है आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे दिखने वाली है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हैंडल व्लॉग्स टू, क्योंकि बहुत सारे बंदे स्पैम कर रहे थे कि वी वांट यू टू व्लॉग, सो हियर आई एम। अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि वी वर वर्किंग, अभी हम अपने फ्लैट में काम कर रहे थे, बट हमें फिर कॉल आया फ्रॉम द बिग बॉस सेट कि उन्हें कुछ चीजें चाहिए। एक्चुअली वो चीजें हमने उन्हें कल ही भेज दी थी, बट हमारे बहुत महान एडिटर की वजह से वो वापस रीटेक लेना पड़ेगा। जो भी वो चीजें आपको आने वाले टाइम पे दिख जाएगी, अभी वी आर गोइंग पैक एट होम मम्मी के साथ, वहाँ पे पहुँच के शूट करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों को। सो व्हाट्स अप एवरीवन, हम पहुँच चुके हैं घर पे। घर की हालत देखो भाई, टूटा टूटा घर, सब कुछ टूट गया भाई। ये क्या है यार, तो कुछ और हुआ करता था। चिकन पॉक्स हो गए दीवार पे भाई, ये देखो ना तुम। गाइस हम आपको दिखाते हैं अपना नया किचन भाई, ये ऑन करना, ये ऑन करना, इसको यहाँ लगाओ, इसकी लाइट लगाओ ना, रिंग लाइट की। गाइस आपको अभी नया किचन दिखाते हैं अपना, जो यहाँ पे काम चल रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है, हो रहा है। वाह गाइस, ये देखिए आप नया घर, घर बनते हुए वापस से, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत दीमक दुमक लग गई थी एक्चुअली, ये सब कुछ सड़ चुका था। बस भाई क्या मस्त लग रहा है, इसके लिए चिमनी लेके अभी चले इसके लिए चिमनी लेने। चलो मैं और कह रहे थे देख क्या आता है, तो गाइस इसके बाद चिमनी लेने चलते हैं। व्लॉगिंग में जितनी भी गलतियां होंगी भाई माफ कर देना, मैं बस ये 3-4 महीने व्लॉग करने वाला हूँ जब तक भाई यहाँ पे नहीं है, तब तक घर के हालात देखो गाइस। व्हाट्स अप, अब से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। घर टूट चुका है गाइस, अनुराग के जाते घर में काम शुरू हो चुका है। सैंडी गाइस, अब हमें फ्लैश खोलना भी आ चुका है। फ्लैश खोलने के लिए पहले ऐसे करके उसे ढक के रखो, उसके बाद फ्लैश चलता है गाइस। मैं आपको दोबारा किचन दिखा देता हूँ, फ्लैश के साथ नहीं था ये सब है गाइस। सो ये 2-3 महीने में तो पूरा ही बदल जाएगा जब तक भाई आता है। हेलो हेलो भाई, ये देखो गाइस, ये अभी अभी खुला है ना दरवाजे, मम्मी के साथ बंद था ये। मैं भी व्लॉगिंग करने लग चुका हूँ अब। अच्छी बात है गाइस, मम्मी तैयार हो रही थी। अब आपको नए ब्लॉगर के साथ इधर से, अभी मेरे को चलाना नहीं आता कैमरा। कोई बात नहीं, तुझे तो इतना भी आता, मुझे इतना भी नहीं आता। कैसा लग रहा है आपको ब्लॉगर के साथ? नहीं अच्छा लग रहा, अपने बेटे के साथ लग रहा है ना। गाइस एक्चुअली ना बड़े वाले के साथ ही और छोटे वाले के साथ ना, 4 महीने तक यही दिखने वाला है गाइस, जब तक बाबू भैया नहीं आते आपके बाहर। एक्चुअली कुछ शूट करना था, बिग बॉस की टीम ने कुछ मंगाया था, भेजना है एक्चुअली अंदर, परसों करके भेजा था, बट वो थोड़ा गलत हो गया था, सो हम रीशूट करने आए हैं उस चीज को। कैसे क्या हो सकता है यहाँ पे शूट के लिए गाइस, ये देखो अभी इसको साफ करके यह वाला फ्रेम बना देंगे जितना भी है यहाँ से, जो वाला फ्रेम जो था, एंड विल डू दिस। गाइस हम ना वापस आए थे फ्लैट में कुछ काम से, और ना हमें ना कूड़ा फेंकना था, तो आगे उमेश दिख रहा होगा, जूम करके दिखाऊंगा, उसने ना कूड़ा रख रखा है वहाँ पे, और वो कूड़ा गाड़ी में लेके जा रहे हैं। भाई कूड़ा तो दिखा दो, कूड़ा भी हम प्यार से रखते हैं गाइस, कूड़े को भी दर्द नहीं होना चाहिए। इसको अभी थोड़ी देर में अपनी जगह ठिकाने लगाते हैं गाइस। एक्चुअली पकड़ना कैसे, एक्चुअली हम जा रहे हैं घर में काम जो दिखाया था उसके लिए चिमनी लेने, क्योंकि घर में पापा भी नहीं है, मम्मी और पुरानी चिमनी लगा रहे थे, बट आई वाज लाइक कि जब इतना खर्चा हो चुका है तो चिप्स भी खरीद ही लेते हैं, सो आई टोल्ड देम कि एक नई चिमनी लेके आते हैं। सो अभी वी आर गोइंग एट शॉप, वहाँ पे देखते हैं कुछ अगर पसंद आता है सो विल बाय दैट। गाइस अभी तुम्हारा भाई आया था रिलायंस में, पीछे दिख रहा होगा, बट वहाँ पे चिमनी नहीं है भाई, 2 चिमनी दिखा के कह रहे हैं ये वाली ले लो, और सच में समझ नहीं आ रहा है, कह रहे हैं इसका सक्शन ज्यादा है इसका सक्शन कम है, सो अभी कहीं और जा रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, वी आर ट्रेंडिंग, वी स्टैंड बाय अनुराग। सो बेसिकली अभी पहले भी बात कर रहा था, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक, मुझे ही ऐसा नहीं लग रहा है, अब तो पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट टारगेटिंग समवन, और उनका मेंटल लेवल इफेक्ट होना ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, क्योंकि जब बंदे घर के बाहर आएंगे ना द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट टू देम। और लाइक मेरे को ऐसा लगता है अब तक मेरे भाई ने ना किसी को गाली दी है, ना किसी से लड़ाई करी है, ना बेमतलब की चीजों में पड़ा है, स्टिल इफ यू आर टारगेटिंग सो दैट गोना इफेक्ट समवन, जस्ट मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता उस चीज को, बिकॉज ही इज इनसाइड, बट वी स्टैंड बाय
हिम एंड आई स्टैंड बाय हिम. कुछ भी गलत आई मेक श्योर आई नॉट, मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब बहुत ऑब्वियस हो चुका है कि जस्ट टारगेट लाइक कुछ भी कर रहा है तो यहाँ से आवाज आ रही है, कुछ भी कर रहा है तो वहां से आवाज आ रही है. राशन पे कोई और चुराता है देन इट इज ओके, बट अगर अनुराग चुरा रहा है देन थोड़ी दिक्कतें हो जाती है. आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट आई जस्ट होप कि सब ठीक हो. विल फाइट थ्रू इट. तब तक के लिए चिमनी देखने चलते हैं गाइस एंड मिलते हैं आपसे. गाइस हम लोग कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं सारी गाड़ियों को. चाबी मैंने आप लोग को दिखा दी, सारी मैंने आंटी से ले ली. एक एक करके सारी गाड़ियां स्टार्ट करते हैं आज. ये किसकी चाबी है बताओ? 10R की चाबी. सारी की चाबी लगा दो कुशन. गाड़ियां इतनी गंदी हो रखी ना, गाड़ियों पे ना धूल धूल हो चुकी है क्योंकि घर पे चल रहा है काम. और ये रही डुकाटी की चाबी. गाइस अब सुनाते हैं आपको हल्ला. सारी बाइक्स गंदी हो रखी है, सारी बाइक्स क्लीन होएंगी. बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर कुछ खा के आते हैं क्योंकि स्नैक टाइम हो चुका है. वन थिंग फर्स्ट, जो अभी ये सब कुछ चल रहा है नेगेटिव पीआर एंड ऑल का, भाइयों मैं बस इतना कहूंगा यार, किसी को नीचे लाने से अच्छा ना किसी और पे पैसे लगाओ, दैट विल बी हेल्पफुल. बट तो हक से सहलेंगे यार. तो गाइस हम लोगों ने एपिसोड देख लिया है, एपिसोड हो चुका है एंड. आंटी आपने आज देखा भैया कितने मजे में थे? मजे में था जो आज तो उन्होंने पूरे सब्जियां सारी उठा के ऐसे ले जाते जैसे सब कुछ उठा लूंगा आज ही. सच्ची में सारी जितनी सब्जियां थी ना सारी उठा ली क्योंकि जीत गए थे भैया ईशा से. इतना भयंकर बोला भैया ने, रुके नहीं रहते, बोलते जा रहे पूरा का पूरा बोल दिया. चलो अच्छी लगी ये चीज है ना. आज तो सच्ची में आज का एपिसोड तो बढ़िया था, मस्त एकदम. भैया को ना बोला कि स्टोर पे जाके जितना सामान है सब लिया बेचारे, लेकिन इतने अच्छे हैं ना, उन्हें पता था कि और घर वालों को भी अंडे खाने सब्जी खाने थे, उन्होंने भी सबको बांटी, अपने लिए जितना खाना था उतना ही रखा. बाकी आज का एपिसोड तो मस्त था. बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में. ये सतीश जी हैं, ये भी भैया को मिस कर रहे हैं. कैसा लग रहा है? बहुत मिस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा. सतीश जी के पास कोई है नहीं अब गार्ड करने के लिए. बट कैसा लग रहा है भैया के बिना, पहले इतना भाग दौड़ वो सब? बस वो ड्यूटी थी अब. सतीश बस ये इंतजार कर रहे हैं 4-5 महीने जल्दी बीते, कब आए, कब आए, भैया और बड़े इंसान निकले ताकि सतीश जी फिर और काम आए, सतीश जी पे भीड़ भूड़ हटाने का. ठीक है गाइस मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस. क्या करना है? पुई भी गाइस. जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात.